उसने कितने देर में काम खत्म किया था, वो कितने देर में होमवर्क कर देगी, तुम कितने देर में एक पैराग्राफ लिख सकते हो। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कितनी देर में, इसकी इंग्लिश क्या होती है। कितनी देर में, इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं, कितनी वक्त में, इसकी इंग्लिश होती है इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका स्ट्रक्चर जानना बेहद ज़रूरी है। सो इसका स्ट्रक्चर में पहले आपको लिखना पड़ेगा इन हाउ मच टाइम, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में अदर वर्ब्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। उसने कितने देर में काम खत्म किया था, इन हाउ मच टाइम डिड सी फिनिश द वर्क, इन हाउ मच टाइम डिड सी फिनिश द वर्क। तुम कितने देर में एक पैराग्राफ लिख सकते हो, इन हाउ मच टाइम कैन यू राइट अ पैराग्राफ, इन हाउ मच टाइम कैन यू राइट अ पैराग्राफ। तुम कितने देर में ऑफिस पहुंचोगे, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच ऑफिस, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच ऑफिस। मैं तुम्हें कितने देर में फ़ोन करूं, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। वो कितने देर में होमवर्क कर देगी, इन हाउ मच टाइम विल सी कंप्लीट द होमवर्क, इन हाउ मच टाइम विल सी कंप्लीट द होमवर्क। कंप्लीट के बदले में आप फिनिश भी यूज कर सकते हैं। वो कितने देर में फ्री हो जाता है, इन हाउ मच टाइम डज ही गेट फ्री, इन हाउ मच टाइम डज ही गेट फ्री।